हेलो, हाय पूजा, कैसे हो तुम? मैं भी बहुत बढ़िया। इस इमेज में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अभी आईफोन, सैमसंग, स्मार्टफोन का जमाना है और ये पुराना टेक्नोलॉजी। नाउ जब टेक्नोलॉजी पुराना होता है या कुछ नया और नायाब इंटरेस्टिंग आता है तो हम बदलते हैं, राइट? सो एज अ हॉबीस्ट एंड यूट्यूबर मेरा काम क्या है? मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको जब भी कोई नया चीज, नायाब चीज आता है मार्केट में या अवेलेबल होता है, एंड सही मायने में अवेलेबल होता है, मतलब जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है सही डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में, विथ स्पेयर्स, पार्ट्स, सर्विस, सब कुछ जब मिलता है, तो मेरा ड्यूटी बन जाता है कि मैं उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊं। नाउ इंपॉर्टेंट दो चीज यहां पे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको खरीदना चाहिए, वो पूरा आपका डिसीशन है, मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, खरीदने से पहले आप अपना जांच पड़ताल सही से कर ले। जितना इंफॉर्मेशन हो सकता है मैं आपको देने वाला हूं, उसके ऊपर आप अपना रिसर्च करें, रिव्यूज पढ़े, ऑनलाइन वीडियोस देखे, फिर जाके आप अपने बजट के सहूलियत से आप चीजें खरीदें, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे ना खरीदें। ओके, दिस शुड बी योर डिसीजन ओनली। ओके, आज हम एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, एक्चुअली न्यू नहीं है, काफी एक 2-3 साल से अवेलेबल है मार्केट में, बट सही डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, तो इसलिए मैं न्यू बोल रहा हूं। न्यू प्रोडक्ट, हैंग ऑन बैक फिल्टर, जेन एक्स टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एंड सुपर फीचर्स के साथ। टाइडल करके प्रोडक्ट है, टाइडल मतलब वेव्स, टाइडल टाइड्स। ये जो टाइडल हैंग ऑन बैक फिल्टर्स है, ये सीकेम का ब्रांड का प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड बाय एन इटालियन कंपनी कॉल्ड सीसी, SICCE, इटालियन कंपनी, मेड बाय सीसी। ओके, बट वैल्यू एडिशन हो गया है सीकेम के साथ उनका जुड़ के। इंडिया में ये प्रोडक्ट सीकेम प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर है बड़ौदा में, सागर एक्वेरियम। सागर एक्वेरियम के ओनर आसिफ भाई है एंड काफी सालों से बिजनेस में है, उनके पास इस सब का पार्ट्स वगैरह मिल जाएगा। ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा हूं कि अगर आप ये खरीदते हो और टेक्निकल इश्यूज है, कुछ इश्यूज है, तो रिप्लेसमेंट तक भी मिल सकता है। नाउ वो लोग असेस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, अगर रिपेयर हो सकता है रिपेयर हो जाएगा, पार्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है तो वो हो जाएगा, या पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा, बट ये उनका डिसीजन है, सागर एक्वेरियम का डिसीजन है जो सीकेम प्रोडक्ट्स का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर है। सीकेम टाइडल के फिल्टर्स या सीकेम के प्रोडक्ट्स आप हमारे शॉप में, दैट इज मुंबई या बैंगलोर या दिल्ली के शॉप्स में आके ले सकते हो, या हमारा वेबसाइट एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया, ये वेबसाइट में भी आप ले सकते हो। नाउ इसके हिसाब से कुछ डिस्काउंट्स वगैरह है, वो आप वेबसाइट में चेक कर सकते हो। ओके, नाउ प्रोडक्ट पे आते हैं। यहां पे 4 वैरायटी है, छोटे से बड़ा। नाउ इन 4 वैरायटी में सबसे छोटा है 35, टाइडल 35, टाइडल 55, टाइडल 75 एंड टाइडल 110। नाउ इसमें दो ऑप्शन है, ओके, या अंडरस्टैंडिंग है, ऑप्शन नहीं है। एक आप टैंक का वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा फिल्टर चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, या इसका फ्लो या वाटर वॉल्यूम जितना फिल्टर के अंदर जाके बाहर आता है वो भी आप देख सकते हो। नाउ टाइडल 35 130 लीटर टैंक के हिसाब से करेक्ट है। नाउ अगेन मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोलता हूं 130 लीटर टैंक, अप टू 130 लीटर टैंक, बिकॉज इसके अंदर जो मीडिया वगैरह है, या आपने ठीक से क्लीन नहीं किया या बहुत लंबा चला दिया तो ऊपर नीचे फ्लो होने वाला है, बट ये अप टू 130 लीटर टैंक। क्या मैं 150 लीटर या 200 लीटर टैंक के लिए यूज कर सकता हूं? नॉट एडवाइज्ड,
मेरे हिसाब से आप ये एक 2x1 टैंक में यूज करें, दैट इज 60 लीटर टैंक, टाइडल 55 अप टू 200 लीटर टैंक। नाउ मेरे हिसाब से 3 फीट का टैंक या 100 लीटर टैंक, ये मेरे हिसाब से है। कंपनी वाले जो कह रहे हैं पक्का है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट्स, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। सेम थिंग ये टाइडल 75 जो है 300 लीटर टैंक के लिए करेक्ट है, अप टू 300 लीटर कंपनी बोलते हैं, मैं बोलता हूं 150 175। सिमिलरली 110 400 लीटर टैंक के लिए मैं बोलता हूं 200 220 लीटर टैंक में है तो आपको करेक्ट रिजल्ट देगा। बिकॉज हम क्या कहते हैं या हमारा समझ क्या है कि पानी जो भी टैंक में है 1 आवर में 4 to 6 टाइम्स फिल्टर से अंदर होके बाहर आना चाहिए, तब जाके क्रिस्टल क्लियर होगा। सो 4 to 6 टाइम्स अगर वो अंदर जाके बाहर आएगा तो आपको उसके हिसाब से फिल्टर चुनना है। नाउ फटाफट एक फिल्टर खोलते हैं, ये वाला 55 खोलने वाला हूं बिकॉज इसमें इसका भी और इसका भी फीचर्स है, सिर्फ साइज बड़ा है। छोटे में एक फीचर नहीं है, हीटर होल्डर का फीचर नहीं है छोटे में, बाकी सब में हीटर होल्डर का फीचर है। तो मैं 55 खोलता हूं, आपको फटाफट दिखाता हूं क्विक एंड फास्ट जो पॉइंट्स है, आप देख लेना एंड आप डिसाइड करो फिल्टर कितना मजेदार है, जेनेक्स है, न्यूजेन है, क्या है। ओके, नाउ इसको फटाफट खोलते हैं एंड इसका फीचर्स मैं बताता हूं, एक एक करके मैं बताता हूं। ओके, बुक एंड ये पूरा फिल्टर का सिस्टम, डब्बा खाली है। ओके, इसको इधर साइड में रखते हैं थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके, नाउ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना। ओके, राइट, ये इसका लिड, अंदर थोड़े चीजें हैं, मैं बताता हूं क्या चीजें हैं। उससे पहले लिड बहुत यूनिक है, क्यों मैं बताता हूं। इसमें दो चीज आता है, एक ये जब अगर आपका फिल्टर गंदा हो जाता है तो ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे ऊपर आ जाता है एंड अगर ये ऊपर आ जाता है तो मतलब है आपका फिल्टर क्लीन करने का टाइम आ गया। दूसरा, ये एक ट्रे की तरह काम करता है, बहुत यूनिक है, ये लो मैं बताता हूं। सी, ये इसका बास्केट निकाला एंड बास्केट को यहां पे फिक्स कर दिया, ये देखो, तो ये ट्रे की तरह काम करता है, पानी ड्रिप नहीं होगा, आप सीधा सिंक पे लेके जा सकते हो। मैं इसको निकालता हूं और बताता हूं। सी, इसमें नीचे नॉच है, यहां पे है और ये ऐसे फिट हो जाता है। ये फिल्टर बास्केट है, ठीक है, फिल्टर बास्केट फिल्टर में आराम से फिट हो जाता है। यहां पे एक लॉक है, इसको अगर हम पीछे करें तो ये लॉक हो जाएगा और बाहर निकाल नहीं सकते, लॉक हो गया। नाउ ये लॉक खोला, फिल्टर बास्केट बाहर, इसके अंदर स्पॉन्ज आता है एंड थोड़ा सा सीकेम का मैट्रिक्स आता है, सीकेम का जो बायोमीडिया है मैट्रिक्स करके आता है, ये थोड़ा सा आता है। अगेन यहां पे मेरा कहना है कि ये मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन ये फिल्टर के लिए कम है, इसमें बायोमीडिया थोड़ा और होना बेटर होगा। तो अगर आप कोई दूसरा बायोमीडिया भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन सीकेम मैट्रिक्स फ्री में आता है। नेक्स्ट पार्ट है ये फ्लो रेगुलेटर, आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। नाउ इसमें ना सबसे यूनिक पॉइंट मैं बताने वाला हूं, बिकॉज इसके अंदर मोटर नहीं है, मोटर नहीं है, नो मोटर, ऐसा कैसे, राइट, रॉन्ग, मोटर है लेकिन अलग जगह पे है। इसका जो मोटर है यहां पे है, यहां पे लिखा है मिनिमम वाटर लेवल, ये देखो मिनिमम वाटर लेवल मतलब पानी यहां तक होना चाहिए, यहां तक होना चाहिए, बिकॉज ये स्किमर के जैसा काम करता है, ये उसका नेक्स्ट फीचर है। ओके, स्किमर के जैसा काम करता है। चलो वापस मोटर पे जाते हैं, ये खोल देंगे, ये निकल गया एंड इसका मोटर यहां पे है। ओके, इसको थोड़ा पुश करेंगे तो मोटर हाथ में आ गया, ये देखो मोटर यहां पे है, इसके अंदर इंपेलर है। नाउ ये मैं देखना चाहता हूं कि ये खुलेगा कैसे,
ये भी खुल गया, ये देखो ये भी खुल गया, ये इंपेलर, राइट। नाउ इसका एडवांटेज मैं बताता हूं, मोटर यहां होने का एडवांटेज क्या है, बाकी फिल्टर्स के जैसा अंदर ना होके यहां पे होने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि कभी मोटर जलेगा नहीं एंड आपको कभी प्राइम करने का जरूरत ही नहीं, सिंपल। बिकॉज पानी अगर यहां तक है टैंक में तो पानी होगा ही, एंड अगर करंट जाता है तो मोटर पानी में ही है, बाहर नहीं है या फिल्टर के अंदर नहीं है, और यहां से पाइप में वो खींचेगा खींचेगा खींचेगा, फिर मोटर के आएगा, फिर मोटर घूमेगा, फिर पानी बाहर आएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं है। ये सीधा पानी में है तो फटाफट यहीं पे खींचेगा और पानी फिल्टर चेंबर में आएगा। यहां पे सिर्फ मीडिया के अंदर जाके बैक्टीरिया से मिलके पानी अच्छा क्लियर होके साफ होके बाहर आता है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जैसे मैंने कहा ये कंट्रोलर, इसमें एक और पार्ट है, ये भी एक तरीके का कंट्रोलर ही है, या आप इसको एडजस्टेबल फ्लो रेगुलेटर बोल सकते हो। ये देखो, सी अगर मैंने खोला तो ज्यादा पानी आएगा इधर से भी और इधर से भी, अगर मैंने ये बंद कर दिया तो सिर्फ इधर से पानी आएगा, तो मैं दोनों तरफ से एडजस्ट कर सकता हूं। नाउ इसमें छोटे छोटे चीज और है, मैं दिखाता हूं, छोटा डब्बा दिया है एंड यहां पे कुछ एक्सटेंडर पाइप्स है और नीला नीला कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूं। जब आप फिल्टर टैंक पे बिठाते हो तो ये पॉइंट पे ये वाला स्क्रू अंदर जाएगा ताकि आप एडजस्ट कर सके टैंक का थिकनेस के हिसाब से, आप ये एडजस्ट कर सके। चलो मैं इसको फिट करता हूं, बहुत सिंपल है, ये छोटा सा पीस है, ये इधर जाएगा, ऐसा जाएगा और ये स्क्रू जो है ऐसा टाइट हो जाएगा। नाउ सपोज आपका 12 mm का टैंक हुआ तो ये बैठ जाएगा यहां पे, और ये एडजस्ट करके आप टाइट बिठा सकते हो, थोड़ा अगर लूज किया तो टैंक ग्लास पे आके ये बैठेगा, और अगर आपने बड़ा है 19 mm है तो भी बैठेगा, आप इसको एडजस्ट करो, 10 mm है तो भी आप एडजस्ट करके बिठा सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। नाउ इसका एक और यूनिक पीस ये रहा, ये बहुत मजेदार चीज है, ये ऐसा यहां पे एक नॉच दिया गया है, यहां पे फिट हो जाता है ऐसा, अगर हम कवर का देखें तो वो भी फिट हो जाएगा कवर, एंड यहां पे आप कोई भी हीटर लेके ऐसे फिट कर सकते हो। ये हीटर थोड़ा बड़ा है बट नहीं फिट भी फिट हो जाएगा। सी ये हीटर होल्डर है, इंटरेस्टिंग, हीटर आप इसी में फिट करके होल्ड कर सकते हो। तो इसमें एडवांटेज क्या है, ये फिल्टर के बाजू में ऐसा फिट करने से एडवांटेज ही है, इजी है मेंटेनेंस के लिए, ये निकालो फिर से टैंक में यू नो गंदा नहीं होगा, इधर से निकालो उधर से निकालो वो चिपका के, वो सब टेंशन नहीं है। नाउ फाइनली इसका क्या है, ये इसका अटैचेबल पाइप्स ऊपर नीचे कर सकते हो या बहुत लंबा भी कर सकते हो, सो डिपेंडिंग ऑन योर टैंक आप जितना चाहो लंबा कर सकते हो। वो फिल्म में गन निकाल के वापस डालते ना वैसा फीलिंग आ रहा मेरे को। नाउ फाइनली अगर इसको फिट करना है, यहां पे ये स्लॉट में जाके बैठ जाता है, सी अगेन ये स्लॉट में जाके यहां पे बैठ जाता है पंप, इसका जो वायर के लिए यहां पे स्लॉट दिया गया है, इसको यहां पे प्रेस करें और ऊपर की तरफ लें, ये फ्रंट में आएगा ये जो वेवी है, बिकॉज ये देखो मिनिमम वाटर लेवल, ये वेवी जैसा डिजाइन है ये सामने आएगा, तो इसको यहां पे हम यहां पे लेके सामने फिट कर देंगे। सो यहां पे लेके यहां डाल के इसको फिट कर देंगे, ओके मिनिमम वाटर लेवल ये फिट हो गया, फिर अगर आप चाहो तो ये एक्सटेंशन यहां पे फिट हो जाता है। नाउ मशीन गन जैसा लग रहा है, ओके सो ये रहा फाइनली ये बास्केट, इसके अंदर जाएगा, ये लॉक होगा ऊपर का मीडिया, एंड अगर आप चाहो तो ये भी यहां पे बैठ जाएगा, बट मैंने नहीं डाला है, बट ये डाल सकते हो। तो इफेक्टिवली नेक्स्ट जनरेशन फिल्टर, एक बार क्विकली देख लें इसमें क्या क्या है, एक लिड विथ यू नो इंडिकेटर, गंदा होने का इंडिकेटर, प्लस लिड आपका ट्रे जैसा काम करता है, वाटर लेवल कंट्रोलर या फुल फ्लो कंट्रोलर, स्किमर, यूनिक प्लेसमेंट ऑफ मोटर, होल्डर फॉर हीटर, ठीक है,
प्लस यहां पे भी फ्लो कंट्रोलर, फ्लो कंट्रोल इस यहां पे भी, तो मतलब इसको बंद करके, पाइप को बंद करके पूरा, ठीक है, ये बंद करके आप सिर्फ यहां चला सकते हो। तो अगर आपको पाइप, मोस्ट हैंग ऑन बैक फिल्टर्स में एक प्रॉब्लम होता है कि पाइप लंबा होता है, टच होता है, बिना पाइप के भी चल सकता है ये, सिर्फ ऐसा डाल दे चलेगा। इसमें कंपनी वाले एक और दो चीज बताते हैं कि इसमें यहां पे लिखा है सी सेल्फ प्राइमिंग पंप, मतलब इसको हमें प्राइम करने का जरूरत नहीं है, पानी इधर ही घूम रहा है तो ऑटोमेटिक पानी उठाता है, यहीं पे घुमा देता है। प्लस बिकॉज यहां पे स्कीमर है, पानी पंप में ऑटोमेटिकली जाएगा और आपका वाटर लेवल भी कंट्रोल करेगा, गंदा निकालेगा, जो ऊपर का जो ऑयल फिल्म है अगर प्लांटेड एक्वेरियम है या कोई भी एक्वेरियम है या एक्सेस फूड या कचरा कुछ भी है तो वो अंदर ले लेगा सरफेस पे जो भी है। एडिशनली सेल्फ क्लीनिंग इंपेलर बोलते हैं, नाउ ये थोड़ा मानने वाली बात नहीं है, लेट मी बी ऑनेस्ट। इंपेलर आप अगर निकाल के महीने में एक बार वॉश करें तो बेटर है। सरफेस स्कीमर, ऑफकोर्स सरफेस स्कीमर मैंने बता दिया, मेंटेनेंस अलर्ट फीचर यही ना, मेंटेनेंस अलर्ट फीचर, अगर आपका मीडिया गंदा है या अंदर गंदा है तो ये ऊपर उठने वाला है, बिकॉज उसका वो जनरली एक वाटर फ्लो के हिसाब से काम करता है, जब वाटर फ्लो ऊपर नीचे होता है या गंदगी जम जाता है तो वो उठ जाता है। हाई कैपेसिटी फिल्टर बास्केट विथ मैट्रिक्स बायोमीडिया, वो मैंने दिखा दिया आपको, फिल्टर बास्केट विथ मैट्रिक्स बायोमीडिया एंड हीटर होल्डर। सो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट तो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना, इस पे वारंटी है क्या? है, लिखा है 2+3 ईयर वारंटी, एक्चुअली 3+2 ईयर वारंटी, मतलब 3 ईयर वारंटी फॉर श्योर, एडिशनल 2 ईयर अगर आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हो तो एडिशनल 2 ईयर मतलब 5 साल का वारंटी है। नाउ ये वारंटी में क्या क्या लागू है आप वेबसाइट में जाके आप अपना रिसर्च कर सकते हो, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में सागर एक्वेरियम, उनसे मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई अगर कुछ खराब हो जाता है तो क्या करोगे, उन्होंने कहा है कि अगर इंपेलर वगैरह टूट गया, खराब हो गया तो नया इंपेलर भेज देंगे ये वारंटी पीरियड में, एंड अगर पूरा सिस्टम खराब होता है तो नया फिल्टर भेजेंगे वारंटी पीरियड में, बट ये उनके हिसाब से है, उनका फाइनल डिसीजन है कि वो क्या करना चाहेंगे। नाउ अगर आप हमारे पास खरीदते हैं तो हमें, हम आपको जरूर बिल के साथ ही देंगे, तो आप हमारे पास भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड हम फॉलो अप करके आपको जो जरूरी चीजें हैं करवाना है करवा के दे देंगे। तो ये हुआ वारंटी का बात। नो, इसमें क्वालिटी कितना है? तगड़ा है, मेरे हिसाब से काम करेगा। मैंने सीसी का फिल्टर्स पहले भी यूज किया है, ये बहुत पहले भी मेरे पास एक है, ठीक है, काफी एक दो वीडियो में भी मैंने दिखाया, ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले मैंने यूज किया है, क्वालिटी अच्छा है एंड इटालियन मेड है, चाइनीज नहीं है, विच इज अ गुड पार्ट। No, इटली वाले भगवान नहीं है, बट चाइनीज से तो बेटर है, बस चाइनीज जैसे काम करते मुझे पसंद नहीं है, इटालियन मेक है तो क्वालिटी थोड़ा बेटर होगा। ये हुआ फिल्टर, खरीदना ना खरीदना आपका मर्जी है, मैंने फीचर्स बता दिया, इंटरेस्टिंग फीचर्स है, नायाब है, नया है, यूनिक फीचर्स है, हॉबीस्ट के लिए बेनिफिट जरूर होगा। आगे वीडियोज में मैं क्या करने वाला हूं, एक ये फिल्टर में कोई ना कोई एक टैंक में डाल के एक महीना पूरा विदाउट क्लीनिंग इनिंग में टेस्ट करने वाला हूं एंड क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा हम आगे वीडियो में देख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो एक लाइव रिजल्ट मिलेगा ना कि बस होता क्या है, आपको समझ में आएगा। सो टाइडल हैंग ऑन बैक फिल्टर्स, जेनेक्स टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज, लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है, इनबिल्ट स्कीमर, यू नो, मोटर इन यूनिक प्लेस में, मोटर एडजस्टमेंट बहुत हो सकता है, टैंक के हिसाब से अडेप्ट हो सकता है, ये सब यूनिक चीजें हैं, प्लस फ्री मैट्रिक्स भी आता है, राइट, सो ये भी एडवांटेज हुआ। ओके, सो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको ये एक नया प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिला, आपने कुछ देखा, जाना, सीखा, समझा, एंड मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। पूजा मैडम, वीडियो खत्म हो गया, कट करो। ओके, बाय। टेक्नोलॉजी चेंज होते होते हमें भी बदलना चाहिए। नाउ बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आने वाला है कि ये कॉस्ट क्या है, ये क्या है, वो सब मुझे पता नहीं है,
अगर ये आपको अच्छा टेक्नोलॉजी लगता है एंड आपको लगता है कि आपका एक्वेरियम हॉबी इससे बढ़ेगा तो जरूर लेना। अगर आपको लगता है आपके पास जो है वो अच्छा है तो भी आप अपना फिल्टर्स को बेटर बना सकते हो, अच्छा बायोमीडिया डाल के उसको इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज अगर मीडिया अच्छा है तो फिल्टर अच्छा काम करेगा, मीडिया अच्छा है तो आपके टैंक में साफ सुथरा पानी होगा, एंड मीडिया में बिकॉज बैक्टीरिया कॉलोनाइज होता है, पानी साफ होता है, आपका फिश भी बहुत हेल्थी होगा। सो जल्दी मिलेंगे, अगला ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मजा लेंगे, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।